सर फटता है इन चीजों को देख देख के। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया इतने से टाइम में, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरी एनिवर्सरी थी, भगवान को मानो, भगवान को मानो, माना था मैंने, मानती थी मैं बहुत। सूरज जी बोल रहे थे कि लास्ट टाइम बचा है, लास्ट टाइम बचा है, मेरे को तो मैं किससे अपने मन की बात शेयर करूं, किससे मैं क्या बोलूं? सही आता समझ को लास्ट टाइम के मैसेज दिखाती हूँ। दुआ कर शायद ही लास्ट टाइम बचा है। मैं मैसेजों को रोज देखती हूँ, रोज। नॉर्मल लाइफ दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ, नॉर्मल बिल्कुल। इरिटेट हो जाती हूँ बहुत, क्योंकि इंसान घुटता रहता है, घुटता रहता है। कब तक किससे अपने मन की बात शेयर करूँ? पहले कुछ भी ऐसे मुझे लगता था कि मुझे कुछ बोलना है, या क्योंकि मैं अपने ज्यादा डिसीजन, या मैंने कुछ अच्छा किया या मुझसे कुछ गलती हुई, सबसे पहले मैं सूरज जी को बताती थी। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा फोन उठाती हूँ। पहले आदत थी मेरी कि मैं सूरज जी को मैसेज करती, इतने बड़े बड़े मैसेज कर देती, मैं भूल जाती हूँ। मैं अभी भी फोन उठाती हूँ, मैसेज टाइप करने लगती हूँ। पर बोलना बहुत आसान है कि स्ट्रांग रहो, अच्छे से रहो और अपनी बेटी के लिए जियो, रहो अच्छे से। नहीं है पर बिल्कुल ड्रीम थे, काफी कुछ सोचा था, ये करना है, वो करना है, अब सब कुछ ही है, कहीं नहीं बन नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। करूंगी नॉर्मल, फिर से रेगुलर ब्लॉग आएंगे और नॉर्मल लाइफ अच्छे से। और आप आरू को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू आरू। ये बिल्कुल सूरज के जैसी है। और थैंक यू क्योंकि एक टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी, तो मैंने अपनी बातें, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हो,
इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज मैं शेयर करती हूँ। फिर बोल देते कि हॉस्पिटल में उन्होंने मुझसे बोला था कि एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है घर में, क्योंकि क्या पता कब कैसी मुसीबत आ जाए जिससे हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। तो मैं ऐसा करूँगा कि मोनू की शादी ऐसा करते नर्स या डॉक्टर से करेंगे, और फिर हम ना आरू को भी डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि अगर घर में ही डॉक्टर होता ना तो मैं यहाँ हॉस्पिटल नहीं आता, मैं तुम लोगों के साथ घर पर ही रहता। काफी बातें हैं हॉस्पिटल की, मैं वहां रात भर रहती थी तो हम रात भर बातें करते थे यही कि अब मैं ठीक हो जाऊं, मैं एक बार बस घर पहुंच जाऊं, फिर मैं आरू से मिलूंगा। आरू बड़ी होगी, उनको हमसे दूर हुए थे 10 डेज तो हुए थे वो हॉस्पिटल में, 12 दिन हो गए थे, 12 दिन। तो एक रहता ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में, नहीं देखा उसको, बार बार देखना, उठते ही सूरज जी आरू को लेते, सो रहे हैं तो आरू, बाहर गए हैं वहाँ से आ रहे हैं तो आरू, तो 12 दिन उससे दूर रहना बहुत मुश्किल था। बहुत मुझसे बोल देते आरू को मेरे पास यहीं पे लिया हॉस्पिटल में, मुझे दिखा दे, वो बड़ी हो रही है, मुझे देखना है, उसे एक बार गोदी में लेना है, हग करना है, क्या पता कल क्या हो जाए। पर ऐसा जब कुछ होता है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे से सूरज जी रोज यही बातें करते, ऐसा होगा, नहीं रह पाऊंगा, नहीं बच पाऊंगा, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मतलब हूँ नहीं, ना थी कभी, पर कोशिश करती हूँ बनने की। उस टाइम पे भी कर रही थी कि मैं कुछ नहीं होने दूंगी, और सारे डॉक्टरों से बात करना, रोजाना मैं उनको दिखाती कि देखो थोड़ा इन्फेक्शन कम हुआ है, कम हुआ है, ये सब करती थी, और ये सब हो भी रहा था, रिकवरी भी हो रही थी, पता नहीं। बोलूं को समझ नहीं आता, ना ये समझ आता मैं क्या वीडियोस बनाऊं। थोड़ा सही रहती हूँ तो मैं रेगुलर बनाती रहती हूँ, जब कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है तो बस सर फटता ही है, फिर मन नहीं करता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बनाऊं, क्या करूं, कैसे दिखाऊं, कैसे फेस करूं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रोज वीडियोस दूँ, अपनी लाइफ की अपडेट दूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोशिश करती हूँ। आप लोग मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सपोर्ट करते हो आप लोग मुझे, इतना प्यार देते हो, आरू को इतना प्यार देते हो, अंशु को इतना प्यार देते हो, जेरी को, सब पूरी फैमिली को।